कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया सोमवार को शिवपुरी भ्रमण पर रही। उन्होंने ठाकुरपुरा में 25 लाख की लागत से बने संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने बाईपास रोड पर बने तीर्थ यात्री सेवा सदन का लोकार्पण भी किया है। शिवपुरी पहुंची शिवपुरी विधायक और कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने काफी समय से चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। मंत्री यशोधरा राजे ने कहा कि वे शिवपुरी सीट से ही चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि मैं अस्थाई नहीं स्थाई हूं, सामने कोई भी चुनाव लड़ने आ जाए सबका स्वागत है। मंत्री ने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने स्पेशल चश्मा लगाया है, अब आप लोग भी काला चश्मा लगा लें क्योंकि धूप और कड़क होने वाली है। मंत्री राजे 4 बार विधायक और 2 बार की लोकसभा सांसद का चुनाव जीत चुकी है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये सौगात नहीं है, ये अपना कर्तव्य है, हमारा नहीं मिला, अपना काम है। मैंने सोचा कि थीम रोड अब सबके दिमाग में बैठ ही गई है, तो मैं अपने वार्डों में क्या कर सकती हूँ जो थीम रोड के तर्ज पर हम एक प्रभावित रोड जो सब साथी लोग उस पर चलते हैं उसको कैसे हम ठीक करें। तो मैंने एक मीटिंग रखी थी अपने सब पार्षदों के साथ और नगर पालिका अध्यक्षा के साथ, जिसमें मैंने उनको बताया मेरी मंशा कि आप मुझे एक रोड दे दो, हम उसको मिनी थीम रोड के नाम से उसको जाना जाएगा और उसको ही हम ठीक करेंगे पहले पहले। कई बार क्या होता है कि लोगों की अफवाहें होती हैं, अरे काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। समस्या ये है कि नगर पालिका अलग चलती है, पीडब्ल्यूडी के रोड्स अलग चलते हैं, और जैसे आपको पता है कि सारे आपके पीडब्ल्यूडी रोड्स मैंने 2018 में ही कंप्लीट कर दिए थे, वो थे 31, और 31 रोड बाढ़ आने के बाद भी वो एक गड्ढा उन 31 रोड में हुआ नहीं। गड्ढे तब हो रहे हैं जब आप लोग टेंट लगाकर अपने पोल्स लगाकर उन्हीं के अंदर डाल रहे हो, जो मैंने कहा मना किया है। अब आप आओ नगर पालिका पे, तो नगर पालिका के ऊपर 200 से छोटे छोटे रोड है, वो उनके अंदर न खोते हुए बेटर है कि हम हर पार्षद से एक रोड की बात मांगे और उस रोड को लेकर ठीक करें और फिर ब्रांच आउट करें दूसरी तरफ। हमारा साहब ये हाल ही में विधायक बोला रहा विधायक ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस का दामन थामा है, क्या कहते हैं? वो स्वतंत्र है, जो उसको करना है वो कर रहा है, अपने दिमाग में जो उसको अच्छा लग रहा है कर रहा है। हम सब आज इस लोकतंत्र में हैं और अच्छी बात है कि हम लोग सब स्वतंत्र हैं अपना अपना काम करने के लिए, अपना अपना रोड पकड़ने के लिए। तो वो अपना रास्ता अब उसने निर्णय लिया होगा शायद अपने दूसरा रास्ता पकड़ा। ग्वालियर क्यों जाऊंगी? आप मुझे भेजोगे तो फिर मैं जाऊंगी, पर मैं क्यों जाऊंगी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।